नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कनाडा के बारे में। जी हाँ भाई, कनाडा का देखिए प्रोसेस क्या होता है। कनाडा की बात नहीं, किसी भी देश में आप जाते हैं, अप्लाई करते हैं, जाने का तो सपना है, आप छोड़ दीजिए, वो जाने वाले अलग होते हैं भाई। देखिए, आपको किसी एजेंट के द्वारा या किसी ऑफिस में आप कॉन्टेक्ट करते हैं तो आप ये बताते हैं कि मुझे उस जॉब में जाना है, तो आपको 100% उसी जॉब से रिलेटेड ऑफर लेटर मिल जाएगा या फिर आपका वीज़ा मिल जाएगा। जी हाँ, वो देने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे, एक बंदा चेन्नई साइड का LIC में काम कर रहा था, यानी उसको मार्केटिंग से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड नॉलेज था। तो उनकी किसी बात हो गई पंजाब साइड में एजेंट से, तो उन्होंने बोल दिया जी कोई दिक्कत नहीं है जी, कनाडा में तो लाइन लगी है, एजेंटों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, LIC एजेंटों की तो जितनी मर्जी ज़रूरी है। तो बंदे को ऑफर लेटर दे दिया गया। हालांकि बंदा 2-3 बार पहले भी ठगवा चुका था, कॉन्टेक्ट मेरे से किया, उसने बात पूरी बताई, डॉक्यूमेंट मुझे सेंड किए, तो उनको बताया कि भाई आपको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, जैसे किसी को सेल्स के बारे में प्रेजेंट करना, किसी प्लान को बताना, सेम जैसे LIC एजेंट आप इंडिया में करते हैं ना कि भाई LIC का एजेंट का प्लान, कोई LIC का प्लान होता है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान होता है, तो किसी के सामने प्रेजेंट करना, इसी से रिलेटेड वो काम कर रहे थे, उसी से रिलेटेड उनको ऑफर लेटर दे दिया। पूरा पैसा काम होने के बाद देना है, जिसमें प्रोसेसिंग फीस, वीज़ा फीस, फाइल कंसल्टेंसी फीस या फिर एम्बेसी फीस, आपका बायोमेट्रिक फीस, टोटल पैसा बाद में देना है। सिर्फ आपको अभी क्या करना है, सिर्फ आपको हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा दे दीजिए। जी हाँ, इंश्योरेंस आपकी पहले करवानी ज़रूरी है कि कल को आप हमारे साथ टच में आ गए, आपको कुछ हो गया तो 1,00,000 कनेडियन डॉलर की आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगी। अरे बेवकूफ़ इंसान, शर्म आने की बात है कि इंडिया में बंदे ने बात क्या कर ली, बात करते आपने इंश्योरेंस के पैसे मांग लिए। जबकि होता क्या, अगर कनेडा इंश्योरेंस करवानी होती है कंपनी को तो वो तो वहाँ पहुँचने के बाद होती है, इंडिया में इंश्योरेंस करवा लो जी, ये कौन सी गणित है। लेकिन सोचने की बात है, ये बातें उनके साथ हुई। अब आपको मैं ऑफर लेटर दिखा देता हूँ, फिर आगे हम और बात करेंगे। ऑफर लेटर आप देख सकते हैं, ये ऑफर लेटर है भाई, देख सकते हैं, सुपर रियल इस्टेट मैन पावर सर्विस, पता नहीं ये कहाँ का रियल इस्टेट मैन पावर सर्विस है, ये कंपनी नहीं है, ये कोई ऑफिस है, पता नहीं कहाँ का एग्रीमेंट बंदे को बना के दे दिया। एग्रीमेंट भी अलग अलग पेज में अलग अलग तरीके से कलर्स में दिखा रखा है, बाकी इतनी सारी कंडीशन, टर्म्स कंडीशन है, बंदा पढ़ ही नहीं पाते। 3 पेज का ये ऑफर लेटर है, आप देख सकते हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपका इसमें जॉब बता दिया, जैसे बंदे को काम करता था इंडिया में वही ऑफर लेटर इसको दे दिया गया। आप देख सकते हैं सैलरी, देखिए जी सैलरी देखो जी, 3,800 पर मंथ कैनेडियन डॉलर, 3,838 यानी 4,000 के करीब इसको सैलरी दे रहा है, यानी 2,00,000-2,50,000 के करीब इसको तनख्वाह बता दी गई है बंदे को, 2,25,000-2,50,000 के करीब महीने की तनख्वाह इसको मिल जाएगी। करना कुछ नहीं है, सिर्फ इंश्योरेंस के 10,000 इंडियन करेंसी मांगे इनसे, ये 10,000 जैसे ही देता है उसके उनका पूरा प्रोसेस कनाडा का हो जाएगा। जिनमें ये एजेंट है ना, इतने महान आदमी है कि सिर्फ इंश्योरेंस के पैसे देने के साथ में अपनी फीस, खुद की एम्बेसी फीस, वीज़ा प्रोसेसिंग फीस, बायोमेट्रिक फीस, जितनी भी फीस होती है ना वो सब बाद में ले लेंगे, वीज़ा आने के बाद में सब कुछ, पहले 10,000 दे दो इंश्योरेंस के नाम से। ऐसे ऑफर लेटर, ऐसे आपके पास ऑफर अगर कोई देता है तो भाई बचें, ना दें तो अच्छा रहेगा, वरना आपका पैसा चला जाएगा, वापस नहीं आने वाला है। तो सावधान रहने की सख्त ज़रूरत है, ऐसे छोटे और लालच में लोग जल्दी फंसते हैं, क्योंकि किसी से 5,00,000-3,00,000 मांग ले तो वो तो दे ही नहीं पाएगा, 10-20,000 देने वाले बहुत हैं इंडिया में, समझ गए बात को। तो इनको भी पता है, रग ने उन्हें पकड़ लिया कि ज़्यादा पैसे वाले देने नहीं है, बड़ा शिकार एक मिले उससे बढ़िया छोटे छोटे शिकार ढूंढ लें, ताकि वो कहीं कंप्लेन भी नहीं कर पाएंगे, अपने पास आ भी नहीं पाएंगे, खाक अपन पैसे उनके खाक हो के मैटर क्लोज कर देंगे, ये सिचुएशन है। तो सावधान रहने की सख्त ज़रूरत है, सावधान रहने के साथ सतर्क रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।